शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली आने के बाद लगातार शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी सभी आंदोलन पर उतारू हैं और आपने देखा कि लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। कभी गठबंधन के विधायक के साथ मीटिंग करते हैं तो कभी जो गठबंधन के जो विधायक हैं वो ही इस नई नियमावली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका आंदोलन लगातार जारी। आप कल देखा गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठ करके हजारों की तादाद में स्टूडेंट बैठे थे, उन लोगों का बस एक ही डिमांड था कि जो परीक्षा है वो उसको वापस ले लिया जाए, उसे काला फरमान जो जारी किया उसे वापस ले लिया जाए। ऐसे में अब लगातार जो आंदोलन की प्रक्रिया है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी हालत में ये आंदोलन नहीं रुकेगा, सरकार समझ ले कि 2023 नियावली वापस लेना होगा। STET 19 एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था, विज्ञापन का पालन हो और विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, यह पात्रता परीक्षा नहीं है। तो सरकार होश में आए, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, हर एक जिला में पुतला फूकेंगे। सरकार होश में आए, तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। यह सरकार का जो तुगलकी फरमान है, हम लोग 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी इसका कड़ा विरोध करते हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। इससे हम नहीं डरने वाले हैं, चुप्पी तोड़ना होगा। और पुलिस प्रशासन से हमें कोई बैर नहीं है, पुलिस प्रशासन मेरा भाई है और उनसे ना लड़ाई है। तो पुलिस प्रशासन से दबाव डलवा के हम लोग से चाहिएगा कि आंदोलन रुक दे, कभी नहीं आंदोलन रुकेगा। या लोकतंत्र में अधिकारों का हनन होता है तो आवाज उठाई जाती है। या तुगलक की फरमान जारी जो किया गया है चचा भतीजा के सरकार में, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग रोड पे उतर रहे हुए हैं और रहेंगे, लगातार आंदोलन जारी होगा। जब तक यह सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग नहीं रोड पर से उतरेंगे। और आप सुन लीजिए, अगर यह अहंकार में बोल रहे हैं कि हम नहीं वापस लेंगे तो 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी आपका राजनीतिक पतन कर देगा, राजनीतिक पतन कर देगा। सुन लीजिए, चाहे जो भी स्थिति हो हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है टोटल, और उसको आप झुका दीजिएगा। गलत हम किए तब झुकेंगे, नहीं गलत हम लोग नहीं किए हुए हैं। हम लोग विज्ञापन के साथ हैं, सीटेट बीटेट एस्टेट पास हैं। और एकाएक चेंज कर दीजिएगा, संभव नहीं है। आपका चुनाव कल होके करवा दें, लड़िएगा चुनाव, बोलिए हाँ लड़िएगा, नहीं ना तो आप संविधान के अनुसार चलते तो हम भी विज्ञापन के अनुसार चलते हैं। विज्ञापन को आप तोड़िएगा तो बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए हैं और कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ किया जाए। पात्रता परीक्षा संभव नहीं है, हम लोग डटे रहेंगे और लड़ेंगे। भारत माता की जय, संविधान पे हमें विश्वास है, जय भारत। तो आपने सुना कि किस तरह से जो शिक्षक अभ्यर्थी है, जो सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं, आंदोलन के लिए उतारू हैं और अब जिला मुख्यालय में पुतला दहन की बातें कर रहे हैं और लेकिन आंदोलन से वापस होने की बातें नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक परीक्षा वापस नहीं लिया जाएगा हम कैंडिडेट का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। फिलहाल के लिए ताई बने रहे कशिश के साथ पटना संकेत सिंह की रिपोर्ट।